मुझे याद है जब हम कॉलेज के अंदर हॉस्टल में पढ़ते थे, तो जब नया साल 31 दिसंबर आता था तो विद्यार्थी पैसे इकट्ठे करके पार्टी करते थे, रात को 12 बजे नाचते थे, जो शराब पीते हैं वो शराब पीते थे, जो बियर पीते हैं वो बियर पीते थे, हुड़दंग मचाते थे, गुब्बारा फोड़ते थे, उसमें जो हॉस्टल के वार्डन हैं, दूसरे जो लोग हैं उनको भी बुलाते थे, और ऐसा लगता था कि रात को 31 दिसंबर की रात को 12 बजे कुछ नया हो गया, कुछ अद्भुत हो गया, कुछ प्रकृति के अंदर, देश के अंदर कोई परिवर्तन आ गया। तो उस समय वो जो पागलपन का बुखार है, वो टीवी के ऊपर देखते थे तो न्यू ईयर के प्रोग्राम आ रहे हैं, तो ये सारा बुखार लगता था, तो यही लगता था कि यही जो 31 दिसंबर की रात को नया साल बदल रहा है, ये बहुत बहुत वैज्ञानिक है, बहुत इसकी परंपरा रही है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा महिमामंडन किया जाता है कि ये इसके बिना ये नहीं किया तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। और हमारी जो भारतीय परंपरा है उनका हमें ज्ञान नहीं था। जब मैं जिंदल स्टेनलेस में जॉब करता था तो उस समय हम बैचलर हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में रहते हुए भी रात को 12 बजे पार्टी करते थे, हुड़दंग करते थे। हम जैसे कुछ ऐसे सात्विक लोग भी थे जिन्होंने कभी शराब को, बियर को टच नहीं किया था, तो उन लोगों को भी ज़बरदस्ती वो लोग कोल्ड ड्रिंक तो टच करवा देते थे कि और कुछ नहीं तो आप फ्रूटी पी लीजिए, माजा पी लीजिए, फेंटा पी लीजिए। तो देखा देखी रात को 12 बजे गुब्बारा फोड़ना और हुड़दंग करना, नाचना, ये सब लोग करते थे। और हम लोग क्योंकि हमारे डीएनए में कुछ भारतीयता, कुछ परंपराएं थी, तो उसमें अपने आप को सहज महसूस नहीं करते थे, लेकिन हमारे पास तार्किक उत्तर नहीं होता था कि हम उसका कैसे विरोध करें, कैसे उनको समझाएं। वो कहते हैं पूरी दुनिया मना रही है, यूरोप मना रहा है, अमेरिका बना रहा है, जो चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं वो देश मना रहे हैं, तो इसका मतलब हमें भी ये मनाना चाहिए और ये बहुत वैज्ञानिक, बहुत उपयोगी चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे कि ये कितना विज्ञान है, कितनी उपयोगिता है, अंग्रेजी नववर्ष कैसे बना, भारतीय नववर्ष क्या था, हमने धरती की, चांद की, धरती की परिधि की कैसे दूरी निकाली, हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो आर्यभट्ट से लेकर जितने वैज्ञानिक हैं उन्होंने हजारों साल पहले कैसे कालगणना की, और जो कालगणना हमारी है, हमारी जो वैदिक कालगणना है, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, और उसके मुकाबले जो विदेशी कालगणना है, जो यूरोपियन कालगणना है, उसका क्या महत्व है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि हम अपने लोगों को तार्किक और प्रामाणिक उत्तर दे सकें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि तीन प्रकार के जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसको आज पहले रोमन कैलेंडर बोला जाता था, बाद में इसको जूलियन कैलेंडर बोला जाने लगा, उसके बाद ग्रेगेरियन कैलेंडर इसको बोला जाने लगा। प्राचीन रोमन कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे। अब आप इसकी वैज्ञानिकता का अंदाजा लगा लीजिए कि उसमें केवल 10 महीने हैं और इसका जो आरंभ है वो 1 मार्च से होता था। बहुत समय बाद 713 ईस्वी पूर्व इस रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी के महीने जोड़े गए। उससे पहले इसमें 12 महीने का कोई विज्ञान नहीं था। हमारे जो 12 महीने हैं, जो हमारी ऋतुएं हैं, वो नक्षत्र के अनुसार हैं। उसके बाद 153 ईस्वी पूर्व में इसमें 1 जनवरी को नववर्ष मनाना शुरू किया। फिर 45 ईस्वी पूर्व, माना आज से लगभग 2044 वर्ष पूर्व, जब रोम का तानाशाह जूलियस सीजर अपने प्रभाव में आया, तो उसने जूलियन कैलेंडर इसका नाम दिया और जूलियन कैलेंडर शुरू किया। जूलियस कैलेंडर जब इसने शुरू किया तो इनके दिनों में इतनी गड़बड़ थी कि इनको जो पहला साल है उससे पहला साल 445 दिन का करना पड़ा। अब आगे चलते हैं। फिर जब ये अवैज्ञानिक कैलेंडर चलता रहा, अब अवैज्ञानिक इसलिए है कि पृथ्वी की गति के साथ, सूर्य की गति के साथ, चंद्रमा की गति के साथ इसका कोई तालमेल नहीं है। और जब हम इसको गणित के ऊपर कसते हैं, देखिए काल गणना सब गणित के ऊपर आधारित है, ये जो पूरा खगोल विज्ञान है ये पूरा गणित है, जीवंत गणित है, और गणित के ऊपर यदि कोई काल गणना नहीं होगी, वर्ष नहीं होंगे, तो वो लंबा नहीं चल सकता। तो 1582 में जब चारों ओर से इनकी आलोचना होती थी, तो इन्होंने 1 जनवरी को नववर्ष मनाना और ग्रेगेरियन कैलेंडर शुरू किया। दुनिया भर में जब ये कमियां होती गई, तो 1552 के बाद, फिर उसके बाद जो चर्च के कुछ मानने वाले हैं उन्होंने कुछ इसमें नई शुरुआत की और 14 जनवरी को नया वर्ष मनाना लगा। आज भी आप देखेंगे जो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते हैं, जैसे रूस है, जॉर्जिया है, यरूशलम है, सर्बिया है, वो 14 जनवरी को नया साल मनाते हैं। तो कहीं 1 जनवरी को बनता है, कहीं 14 जनवरी को बनता है, पहले 1 मार्च को मनाया जाता था। तो इसकी वैज्ञानिकता तो यहीं संदिग्ध हो जाती है। अब इससे आगे चलते हैं। अब ये जो आगे जब हम चलते हैं, तो ईसा से जो पूर्व हुए उनको कहा गया कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, और जो ईसा के बाद जो हुआ समय उसको आफ्टर क्राइस्ट कहा जाता है। तो इसमें जब रोमन एक सम्राट हुआ है जिसका नाम था क्विलिटस, उस रोमन सम्राट में जो कैलेंडर का जो 5वां महीना होता था वो क्विलिटस के नाम पर, क्विलिटस उसका महीना होता था, इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ। अब जूलियस सीजर का जन्म हुआ तो उसने कहा कि ये उसके नाम पे नहीं चलेगा, मैं इसको अपने नाम पे करूंगा। तो अपने नाम पर उन्होंने इसका नाम जूलियस रखा, जो बाद में चेंज होते 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 इसका नाम जुलाई पड़ गया। यही जुलाई जो आगे हो गया, उसके बाद जूलियस सीजर के बाद वहां पर ऑक्टेवियन नाम का एक रोम का राजा हुआ। अब ऑक्टेवियन के जो रोम का राजा था, इसने अपने आप को उपाधि प्रदान की इंपेटेटर की,
अगस्टस की उपाधि प्रदान की गई, और उसके बाद उसने कहा कि जो आठवां महीना होगा इसका नाम मैं अपने नाम के ऊपर अगस्टेबियन रखूंगा, जो बाद में अगस्त बन गया। और उसके बाद तुगल की फरमान एक उसने जारी किया। अब क्या था कि जुलाई में 31 दिन थे और अगस्त में 30 दिन थे। अब उस राजा ने जो अपने नाम के ऊपर अगस्त रखा था उसमें जब 30 दिन थे, उसने कहा कि पिछले महीने में जूलियन सीजर के नाम पर 31 दिन है तो मैं इसको चेंज करूंगा। अब उन्होंने जुलाई के दिन 30 कर दिए, अपने दिन 31 कर दिए, ताकि मैं उसको उससे छोटा ना हो जाऊं। तो ये बिना किसी वैज्ञानिक आधार के फरवरी का एक दिन काटा और ले जाकर जुलाई के अंदर जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से ये सब जो अवैज्ञानिक पद्धति इस ईसाई कैलेंडर के अंदर, इस रोमन कैलेंडर के अंदर, इस अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर चलती रही 1752 में। फिर इसका सुधार करने के लिए जो पोप ग्रेगरी नाम का एक पोप हुआ है, जिसके नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोला जाता है, अंग्रेजी कैलेंडर को, इसने 1752 में इसने इसमें सुधार किया। और इसमें जो गड़बड़ थी उसके अंदर काफी दिनों की गड़बड़ आ रही थी, तो 2 तारीख के बाद उन्होंने सीधा 14 तारीख का प्रावधान किया। तो सीधे सीधे 12 दिन पूरे कैलेंडर से गायब कर दिए। और ये कोई मैं 1000-2000 साल की बात नहीं कर रहा, ये 1752 ईस्वी की बात है। अभी से हम बात करें तो लगभग लगभग 250 साल पुरानी बात। और 1752 में ही इस कैलेंडर की जब शुरुआत की, तो शुरुआत करने के बाद पुर्तगाल ने, जर्मनी ने, स्पेन ने, इटली ने इसको अपनाया 17वीं शताब्दी में। फिर इसको स्वीडन में, डेनमार्क में इसके ऊपर काम शुरू किया। उसके बाद फिर इस कैलेंडर को इंग्लैंड ने अपनाया, यूएसए ने अपनाया, और उसके बाद इसका प्रचलन पूरी दुनिया में उन्होंने जबरदस्ती लागू किया। अब भारत के अंदर कैलेंडर की क्या रीति नीति थी उसकी मैं चर्चा आपको करूंगा कि एक विदेशी व्यक्ति 1990 में, जॉन फ्लेयर नाम का एक अंग्रेज था, वो एक बार भारत आया और भारत आकर उसने कुछ कैलेंडरों का अध्ययन किया। उसने, वो कहता है कि आज से 6000 वर्ष पहले तक भारत में खगोल विज्ञान का इतना गहरा ज्ञान था कि उनको एक एक पल का, एक एक सेकंड का पता था। 1687 में वो जो भारत आया, तो 1687 में भारत आकर वो एक अंग्रेज ईसाई मिशनरी भारत आई, तो दक्षिण भारत से एक कैलेंडर उन्होंने दक्षिण भारत से उठाया, केरल से, तमिलनाडु से, और एक कैलेंडर उन्होंने वाराणसी से उठाया, पंचांग उठाया, और वो पंचांग लेकर वो यूरोप में गए। यूरोप में जाने के बाद जॉन फ्लेयर के बाद जो खगोल विज्ञानी माना जाता था उसके पास उन्होंने भेज दिया। जब जॉन फ्लेयर ने उन दोनों कैलेंडर का एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि ये अलग अलग स्थानों के कैलेंडर हैं, लेकिन इनके जो बनाने का सिद्धांत है वो बिल्कुल एक है। जॉन फ्लेयर आगे कहते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व वो कहते हैं कि ये जो कैलेंडर बना है ये कम से कम, ये जो काल गणना है जो मैं इसको मानता हूं, कम से कम 3000 वर्ष पूर्व की है, और इसको डेवलप करने में कम से कम 1000 साल लगे होंगे। ये कैलेंडर, ये पंचांग ऐसे डेवलप नहीं हुए। वाराणसी में एक बार एक अंग्रेज आया, रॉबर्ट बार्कर, 400 साल पहले आया वो वाराणसी में, और वाराणसी की वेदशाला में जब उसने कैलेंडर, उस वहां के यंत्र देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो यंत्र हैं ये इतने शुद्ध हैं कि आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर जब इनको कसते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध पाए जाते हैं। तो हमारा जो कैलेंडर का विज्ञान है वो इतना उन्नत रहा है। अब आगे हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार से ये लागू हुए। अब ये जो लागू हुए इसके अंदर कोई विज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनके जो दिन हैं, पृथ्वी की गति है, ग्रहों की गति है, नक्षत्र की गति है, इसका बहुत अधिक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हमारा जो कैलेंडर था, हमारा कैलेंडर जिसको हम विक्रमी संवत कहते हैं, हमारा जो विक्रमी संवत है ये ईसा पूर्व 57 ईस्वी पूर्व शुरू होता है। उज्जैन के एक राजा हुए हैं जो प्राचीन काल में, उज्जैन पूरी पृथ्वी में समय का काल निर्धारण का एक केंद्र माना जाता था। उज्जैन से जो पंचांग निकलता था, यहां से जो ज्ञान विज्ञान निकलता था, वो पूरी दुनिया के अंदर जाता था और उसको फॉलो किया जाता था। तो राजा विक्रमादित्य ने उसको प्रारंभ किया। राजा विक्रमादित्य के पिताजी का नाम गंधर्वसेन था। उस कैलेंडर को देखकर ही, विक्रमी संवत के इस पंचांग को, कैलेंडर को देखकर ही पूरी दुनिया के कैलेंडर बने हैं। 12 महीने का 1 वर्ष और 7 दिन का सप्ताह रखने का ये जो प्रचलन है ये विक्रमी संवत से शुरू हुआ। और महीने का हिसाब सूर्य चंद्रमा की गति के ऊपर रखा जाता था। 12 जो नक्षत्र हैं, 12 जो राशियां हैं, जो 12 सौर मास है उसके आधार पर 12 महीने मनाए गए हैं। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ। और हमारे यहाँ से ये कैलेंडर होते हुए, बदलते हुए रोमन में, अरब में, यूनानियों ने अपनाया। उन्होंने अपनी लाल फीताशाही से, क्योंकि वैदिक गणित का ज्ञान नहीं है, खगोल विज्ञान का ज्ञान नहीं, और ये अज्ञान कैसा था इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। गैलीलियो का नाम आपने खूब सुना होगा, 400 साल पुरानी बात है। उस गैलीलियो को केवल इस बात के लिए फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा दिया गया क्योंकि उसने कहा, चर्च क्या मानता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, गैलीलियो ने क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। तो इस झूठ के लिए, क्योंकि ये जो झूठ है, ये जो मान्यता है उनके ईसाई धर्म के ऊपर,
कभी खरी नहीं उतरती, उसके ऊपर लागू नहीं होती। तो उन्होंने कहा हमारी जो पवित्र पुस्तक है, बाइबिल है, उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कह रहा है तो हम उसको कैसे स्वीकार करें। तो गैलीलियो को उठाकर जेल में डाल दिया गया। उसको कहा गया कि या तो आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करो, नहीं तो आपको फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाया जाएगा, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। और गैलीलियो को मृत्युदंड दिया गया केवल इस बात के लिए क्योंकि उसने साइंटिफिक फैक्ट कहा। उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये जो हमारा जो विज्ञान, हमारा जो कैलेंडर है, ये कब शुरू होता है? हमारा जो नया वर्ष है वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को शुरू होता है, जो लगभग मार्च और अप्रैल के महीने में आती है। अब आप कहेंगे जो अंग्रेजी नववर्ष है, हम इसकी शुभकामनाएं दें या ना दें? अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं दें, उनको दें जो अंग्रेज हैं, उनको दें जो इस कैलेंडर को मानने वाले हैं। अब हमें जबरदस्ती इस कैलेंडर को मानना पड़ रहा है क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। और ये मानसिक गुलामी इतनी गहरी है कि जब हमारे गौरव की, हमारे स्वाभिमान की, हमारे ज्ञान विज्ञान की कोई बात होती है तो हम उसको पसंद नहीं करते, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नेपाल एक छोटा सा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। उस नेपाल में आज भी यदि कोई व्यक्ति तारीख की बात करता है तो वो चैत्र के मास का नाम लेगा, फिर तिथि का नाम लेगा, अष्टमी, द्वितीया, प्रथमा, तृतीया, त्रयोदशी, चौदशी, एकादशी, ये नाम लेकर जो भारतीय कैलेंडर है आज भी नेपाल में लागू है। अंग्रेजी कैलेंडर की अपेक्षा वो अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में भारतीय कैलेंडर लागू करते हैं। अब ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अच्छा ये जो वार के नाम है ये सब इंडिया ने दिए हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं और जो इतवार है वो आदित्यवार से बना है। आदित्य के वार, सूर्य के वार को हमने कहा कि ये आदित्यवार है, आदित्यवार से इतवार बना, रविवार बना। रवि किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो आदित्यवार, रविवार, इससे रविवार तो है अभी भी नाम और आदित्यवार का इतवार बन गया। अंग्रेजों ने, ईसाई मत ने, मैं वहाँ पर जो ठंडे देश है वहाँ पर जब कभी सूर्य निकलता था तो उस दिन वो काम पर नहीं जाते थे, धूप सेकते थे क्योंकि विटामिन डी कम हो जाएगा तो सुसाइड करनी पड़ेगी, विटामिन डी कम हो जाएगा तो हड्डियों की बीमारी होगी। तो उस दिन वो छुट्टी मनाते थे और सब मिलजुल कर संडे बनाते थे, तो उसको उन्होंने संडे लिख दिया। उनका ये जो संडे है ये सूर्य निकला है इस डेट से बना, तो धूप निकलने की वो मौज मस्ती करते थे। इनका, हमारा ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसका मैंने कहा कि कोई गणितीय आधार नहीं है, कोई खगोल गणना नहीं है, ये सीधे भारतीय कैलेंडर की कॉपी की है। अब कॉपी करने के बाद कॉपी जोड़ पेस्ट करना है ये आसान नहीं है जब तक हम उसको समझे नहीं। तो उन्होंने कॉपी की, तो कॉपी करते करते उनसे कुछ गलतियां हुई और उनका जो कैलेंडर है वो वैज्ञानिक नहीं है। हमारा जो कैलेंडर है वो इतना वैज्ञानिक है कि इसमें सूर्य की गति की कैलकुलेशन नहीं की जाती, चंद्रमा की गति की कैलकुलेशन की जाती है और नक्षत्रों की गति की कैलकुलेशन का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ सूर्य मास है, चंद्र मास है और नक्षत्र मास है, ये तीनों हैं, जबकि पश्चिम का कोई वैज्ञानिक आज तक इसको समझ नहीं पाया है। भारत ने बहुत पहले ये बता दिया कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। हम आगे बात करेंगे कि भारत का ज्ञान विज्ञान कैसा रहा। जब हमारा नववर्ष आता है, जब भारतीय नववर्ष आता है, तो आज हम बात करें तो भारतीय नववर्ष में हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए हैं, खगोल वैज्ञानिक भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपनी बेटी लीलावती के नाम पर, लीलावती नाम का एक ग्रंथ लिखा है, इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा, अमेजन के ऊपर इसकी पुस्तक मिल जाएगी भास्कराचार्य जी की। तो उस लीलावती ग्रंथ में वो बेटी सवाल करती है और वो उत्तर देते हैं। तो वो कैसे उत्तर देते हैं, जो और कब देते हैं? 11वीं शताब्दी में, 1114 ईस्वी में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। तो उस समय वो कहते हैं, उसकी बेटी उस ग्रंथ में लिखते हैं कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, पृथ्वी कैसी है, गोल है या चपटी है। अभी भी ऐसे कुछ मूर्ख धर्म ग्रंथ हैं, मूर्ख सभ्यताएं, संस्कृति, सभ्यता तो क्या कहें, मूर्ख कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। जो आज भी कहते हैं कि पृथ्वी, ये जो शेषनाग की जो आई है ये तो कल्पना आई है, ये बहुत अधिक पुराणों के अंदर कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ 11वीं शताब्दी में उन्होंने कहा है कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है, पृथ्वी कैसी है। आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले ये सारी चीज़ों का उत्तर दिया है। सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, 300-400 साल पहले तक तो पश्चिम के भारत को छोड़कर और कोई दूसरी सभ्यता ऐसी थी नहीं कि जिसको पता हो कि सूर्य ग्रहण कैसा होता है, चंद्र ग्रहण कैसा होता है। आर्यभट्ट ने, जो हमारे एक वैज्ञानिक और हुए हैं जिनका नाम आर्यभट्ट था, उस आर्यभट्ट ने सूर्य से एक एक ग्रह की दूरी कितनी है ये उन्होंने बताया है। आजकल जो ये दूरी नापते हैं ना, जैसे हम किलोमीटर में नापते हैं, जो समुद्री जो जहाज चलते हैं वो नोटिकल माइल्स में नापते हैं, नोटिकल में नापते हैं, ऐसे ही जो ग्रहों की दूरी है किलोमीटर में नहीं नापते, किलोमीटर में नापेंगे तो करोड़ों किलोमीटर होगा। तो उन्होंने कैलकुलेशन बनाई हुई है कि 15 करोड़ किलोमीटर का एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक उसकी एयू बोली जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोली जाती है, 15 करोड़ किलोमीटर बराबर एक खगोल विज्ञान की यूनिट, माना कि एक किलोमीटर कहें आप या एक मीटर कहें, वो 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर एक यूनिट मानी जाती है। तो 23 साल की आयु में
आर्यभट्ट ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने 23 साल की आयु में, और कब हुए हैं, आज से हजार सैकड़ों साल पहले हुए हैं, उन्होंने 23 साल की आयु में आर्यभट्टीय नाम का ग्रंथ लिखा, और उसमें उन्होंने पृथ्वी की परिधि, केवल यह नहीं बताया कि गोल है, उन्होंने पृथ्वी की परिधि बताई है, मतलब पृथ्वी का सर्कमस्टांसिस, पृथ्वी के चारों ओर एक रस्सी लपेटें तो उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी, उसका गोले का, पृथ्वी के गोले का व्यास कितना होगा। आप देखें, एक किसी भारत के किसी गांव में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, उसके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, उसके पास कोई विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कैसे अपने वेदों के ज्ञान पर, अपने दर्शनों के ज्ञान पर वो कैसे सारी दुनिया को पृथ्वी की परिधि बता रहा है। और उसने उस समय जो पृथ्वी की परिधि है वो बताई 39,968 किलोमीटर। अब ये 39,968 किलोमीटर के आज के हिसाब से जब आधुनिक यंत्रों से नापते हैं तो निकलती है 40,075, और इसमें ये जो अंतर है ये 0.2% का अंतर है, इससे भी कम है। तो आर्यभट्ट ने जो कैलकुलेशन की वो कैलकुलेशन आज भी 0.2 के एरर से हम इसको ये मान सकते हैं कि ये हो सकता है कि ताप के कुछ और बदलाव आए हों। और उसने केवल पृथ्वी की परिधि नहीं बताई, पृथ्वी की सूर्य से दूरी बताई, सूर्य से बुध कितनी दूर है, सूर्य से शुक्र कितनी दूर है, सूर्य से मंगल कितनी दूर है, सूर्य से बृहस्पति कितनी दूर है, शनि कितनी दूर है, ये सारी दूरियां आज से सैकड़ों साल पहले हमारे आर्यभट्ट बता चुके हैं। तो हमारा ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा है और हमारा कैलेंडर, हमारी परंपराएं कितनी उन्नत हो रही हैं, आप इसका इसका अंदाजा लगा लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में काटता है, ग्रहण क्यों लगते हैं, ये केवल ये नहीं बताया कि ग्रहण क्यों लगते हैं बल्कि ग्रहण कब लगेगा उसका समय निकालने का फॉर्मूला भी उन्होंने बताया है। तो आप देखिए कितने अद्भुत हमारे पूर्वज थे कि उस समय जब कोई यंत्र नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, उस कैलकुलेशन को भी वो कैसे उंगलियों के ऊपर करते थे, कैसे पंचांग के हिसाब से करते थे। और भारत में किसी भी हिस्से का पंचांग उठा लीजिए, किसी भी हिस्से का पंचांग उठाएंगे, उसके ऊपर गणना करेंगे तो जो ग्रहों की गति है, जो नक्षत्रों की गति है, वो 100% आप शुद्ध पाएंगे। तो हमारे पूर्वज इतने महान रहे हैं, समय निकालने का फॉर्मूला बताया कितनी देर ग्रहण रहेगा, मतलब सूर्य चंद्रमा के बीच में जो ग्रह आएगा वो पास करने में, पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा, सूर्य आएगा, तो ये जो आपस में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेंगे तो ये जो क्रॉस करेंगे उस क्रॉस में ग्रहण कितने समय का रहेगा, क्योंकि अलग अलग गतियों में अलग अलग एंगल से निकलते हैं तो अलग अलग हिस्से पर ग्रहण का प्रभाव होता है और अलग अलग समय है उसको क्रॉस करने का। और ये जो चंद्रमा की सूर्य पृथ्वी की गति है ये हजारों किलोमीटर में है, अभी हम पृथ्वी के ऊपर हैं तो पृथ्वी के ऊपर हम हजारों किलोमीटर की गति से घूम रहे हैं जो हमें महसूस नहीं हो रहा। पाई की वैल्यू 4 अंकों में वो सैकड़ों साल पहले बता चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के गणित के बड़े से बड़े सूत्र हमारे वेदों में, हमारे दर्शनों में हमारे ऋषि दे चुके हैं। ये जो हमारा नववर्ष आता है, ये हमारा नववर्ष कब आता है, जो आर्यभट्ट ने कहा, जो हमारे पूर्वजों ने कहा, वो कहते हैं कि जो हमारा नववर्ष आता है वो चैत्र शुक्ल की एकम को आता है, प्रतिपदा को आता है, पहली तिथि को आता है। और ये जो तिथि है ये मौसम के हिसाब से आती है, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते कि ये उसी दिन आएगी कि हमने बांट दिया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाती है तो 12 हिस्से कर दिए, 12 हिस्से करने के बाद उस दिन आएगा। वो कहते हैं ये अलग अलग हो सकती है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। अब ये जो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा आती है तो नई कोपले आती है, नया उल्लास आता है, किसान के जो बादल हैं वो समुद्र से भर के चलते हैं कि अब हमें बरसना है, चारों ओर आनंद करने वाला मौसम होता है, ना कड़ाके की कोई ठंड पड़ती। और हमारा जो दुर्गा पूजन का समय है, नव दुर्गा का समय है, जो हमारे व्रत रखने का समय है, उपवास रखने का समय है, ये भी इन्हीं दिनों में आता है। व्रत का क्या महत्व है, इसका जो धार्मिक महत्व है वो तो अलग है, इसका जो सामाजिक महत्व है, वो शरीर के लिए महत्व है, वो क्या महत्व है कि जब हम व्रत करते हैं, अभी तो ये तो रिसर्च में तय हो चुका है कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं इनको 30 गुना ज़्यादा फूड चाहिए, एक नॉर्मल कोशिका को जितना ग्लूकोज, जितनी एनर्जी, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, ये जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं इनको 30 गुना ज्यादा फूड चाहिए, खाना चाहिए, शुगर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो जब हम उपवास करते हैं और 9 दिन का उपवास करते हैं, 7 दिन का उपवास करते हैं, 5 दिन का प्रवास करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो कैंसर की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देते हैं। तो नवरात्रि का समय हमारे नव वर्ष के ऊपर होते हैं, किसान की फसल कट चुकी होती है, घर में उसकी फसल आ चुकी होती है, और फसल आने के बाद पूरी दुनिया का जो राजस्व चलता है, जो वित्त विभाग चलता है, वो मार्च के हिस्से में चलता है। अभी भी जो फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है पूरे देश में और दुनिया में, वो 31 मार्च और 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का अंत होता है और 1 अप्रैल को मनाया जाता है तो वो हमारे उस स्वदेशी नववर्ष के आसपास है, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, उसको भी उसी हिसाब से मनाना चाहिए, लेकिन हम उसको माने तो उसको लगभग है क्योंकि किसान की फसल उस समय तक आ चुकी होती है। जो अंग्रेजी कैलेंडर मनाया जाता है तो मानसिक गुलामी का प्रतीक है, राजनीतिक, कूटनीतिक और ऐतिहासिक इसके राजनीतिक कारण है, इसका कोई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक, धार्मिक, हमारे लिए कोई गौरव का आध्यात्मिक कारण नहीं है। ये जो
अभी जो एक विषय आता है कि हम अपना कब मनाएं, या नए नए जो साल के ऊपर जो लोग शुभकामनाएं देते हैं तो उनके लिए क्या करें, जो दूसरे लोग शुभकामनाएं देते हैं तो उनको हम शुभकामनाएं उत्तर में दें कि अंग्रेजों का नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, जो उसको मानते हैं उनको शुभकामनाएं दें, और अपना लिख दें कि हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होगा, हम उस प्रतिपदा के नववर्ष की आपको एडवांस में बधाई देते हैं, और अपने नववर्ष की पढ़ाई, इस बधाई को आप जिसको ये मानने वाला है, मानसिकता का है या लोक व्यवहार निभाते हुए किसी ने आपको भेज दिया तो उसको धन्यवाद कीजिए कि अंग्रेजों के नववर्ष की आपको शुभकामनाएं, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है, हमारे नववर्ष की अग्रिम आपको शुभकामनाएं, और जैसे आप अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं वैसे ही आप भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं भी जरूर दें, ये आप उनको बता सकते हैं, ये आप उनको जरूर लिखें। तो इस प्रकार से हम देंगे तो सामने वाले की भावनाओं को हमने ठेस भी नहीं पहुंचाया और हमने अपनी बात भी कह दी।